बचपन से हमने आपको ना खून के आंसू रोते हुए देखे हैं। अम्मा के मरने के बाद यहाँ तक कि दादाजी ने जब पापा के बदले चाचा जी को पार्टी का टिकट दिलवा दिया तब भी आपका दिल दुख रहा था, और तब से लेके अभी तक अपने सीने से लगा के हमसे एक ही बात कहती थी कि हम तुमको तुम्हारा हक दिलवा के रहेंगे, हम तुमको तुम्हारा हक दिलवा के रहेंगे। अरे क्या करें इस हक का अम्मा। वही चीज दोबारा दोहराई जा रही है। पहले वो ओमी को युवा अध्यक्ष बना दिया गया, अब आदि को एमएलए बनाया जा रहा है। हम कहाँ हैं? हमें पता है आज भी आपका दिल बिलक बिलक के रो रहा है। अरे लेकिन हमको खैरात नहीं चाहिए, और हमको ये भी पता है कि आप अपने चहेते आदि को कोई तकलीफ नहीं पहुंचाएंगे। सही ना है कि बड़े के रहते छोटा राज करे। अरे अम्मा बस वो सब ठीक है नो, पर हम असूल की बात कर रहे हैं, और जे कहां का कायदा है कि बड़े के रहते छोटा राज करे। बनने दो ना अम्मा, चाचा जी के बच्चों को नेता बनने दो ना। और एक बात बताओ ना अम्मा, तुम ही बताओ किससे दुश्मनी करें हम? अपने छोटे भाई से दुश्मनी करें? हो गया अम्मा, अब इससे ज्यादा हम बात नहीं कर सकते। बात तो सुन रहे हैं। इसमें तो मामले ही पलट गए काव्या। अम्मा ने जो किया अकेले किया है, अनुराग नहीं मिला है। दादी अम्मा मान जाओ ना। अरे छोड़ो भी ये गुस्सा, जरा अगली चाल बताओ ना। तुझे तो हम बिल्कुल नल्ला समझे थे। हैं? तू तो प्यारा सा लल्ला निकला। ऐसे नौटंकी किए हो कि हम भी मुसलल हो गए। अरे दादी अम्मा, हमारी सांस खुद अटक गई थी। कभी आपने देखा हम आपसे ऐसे बात किए हैं? लेकिन क्या करते, शक हो गया था उसे। और शक का दूर करना तो जरूरी है ना। जे था तुरुक का पत्ता, अब क्या हुआ कि हम हो गए काव्या के दुश्मन और तुम बन गए हो उसके शुभ चिंतक। अब उसका विश्वास जीत के उसको तोड़ेंगे। बस एक बार तुम गद्दी जीत लो, तुम्हारा शादी ब्याह करेंगे और तुम जो है असली प्रधान खानदान को आगे बढ़ाओ। बस अरे संभाल गए। वो पैर मुड़ गया था भाई साहब। थैंक यू। कोई बात नहीं है, लाओ हम रख देते हैं। नहीं नहीं, हम कर लेंगे। संतु ये क्या है? बोल भाई संतु, बोल इन्हें। वैसे हमें लग रहा है कमरे का असली मालिक यानी कि हम वापस अपने कमरे में आ रहे हैं। संतु एक बात बताओ, ये घर किसका है? मिस्टर प्रधान का। ये कमरा किसका है? जूनियर मिस्टर प्रधान का। और हम कौन है? जूनियर मिस्टर प्रधान। तो इसका मतलब क्या हुआ कि हम इस कमरे की असली मालकिन हैं। तो अब हम तुमसे कह रहे हैं प्यार से कि सारा सामान जल्दी से गेस्ट रूम में रख दो। ओके, जाओ जाओ जाओ। संतो इधर आ। गेस्ट रूम में कौन रहता है? गेस्ट के लिए यानी कि मेहमान। मेहमान कौन है? संजीव। कमरा किसका है? हमारा। रखो सामान, चलो। संतो बात सुनो हमारी। बहाना बहुत अच्छा है हमारे साथ इस कमरे में रहने का, पर सोच लो अगर हमारे साथ यहाँ रहना है तो। रुको एक सेकेंड। तो फिर हमारा टूथपेस्ट श्रीमान जी के टूथपेस्ट के साथ रहेगा, चिपक के। और
हमारा टूथब्रश इनके टूथब्रश के साथ रहेगा और कि शूज और हमारी सैंडल दोनों साथ में ही रहेंगी चिपक के। और अगर ये सब नहीं करना है तो फिर अपना पेस्ट ब्रश हेयर ब्रश नाइट सब लेके जाओ जी। हम संतो बीमारी में कड़वी गोली भी खानी पड़ती है ना, कोई बात नहीं हम खा लेंगे। मजबूरी में दुश्मन के साथ भी रहना पड़ता है, रह लेंगे। तू सामान रख। संतो सामान लेके जाओ। सामान रख। सामान ले जाओ। सामान रख। सामान ले जाओ। सामान रख। ले जाओ। बस करो। प्यार नफरत के बीच में हमें काहे पीस रहे हैं? सीधा सीधा जवाब दीजिए कि सामान का करना क्या है। सामान रख, बोला ना रख सामान। संतू वो कौन सा गाना है? झूठ बोले कौआ काटे। अब कौए से भी बचकर रहना पड़ेगा। चारा कौआ अब क्या काटेगा? हम आपके लिए हल्दी का दूध लाए थे। काहे इतना तकलीफ कर रही है? हम दवाई ले रहे हैं ना। देखिए हमारी मम्मी कहती हैं घरेलू नुस्खे इलाज करते हैं और डॉक्टर अपनी तिजोरी भरते हैं। सही कहती है आपकी मम्मी। बचपन से हम भी सफेद कोट वाले से बहुत नफरत करते हैं। हम भी, बल्कि हमारी मम्मी ने तो एक बार डॉक्टर से हमारी शादी करने की कोशिश भी की थी लेकिन हम माइंड वक्त पर भाग गए थे। हंसते रह करिए। फोन आप फोन नहीं उठाएंगे? हमारी माई, इनका सर पे इंटरनेट बहुत तेज चलता है। अब हम सुखी हैं, दुखी हैं, दर्द में हैं, जब तक ये उगलवा नहीं लेंगी ना तब तक पूछते रहेंगे। और अगर हम सच बता दिए तो फिर परेशान हो जाएंगे। और आपके पापा? बाबूजी दौरे पे रहते हैं पर माँ छपरा हमारे गांव में अकेले रहती है। आजकल उनके सर पे बहुत बड़ा भूत सवार है हमारे शादी का। कहती है तुम शादी कर लो तो हम आके तुम्हारे साथ रहेंगे। अब अच्छी लड़की का पेड़ भी रहती है, दम तोड़ के ले आएंगे। क्या हुआ? आप गरम गरम पियेंगे तो फायदा करेगा। हाँ छोटे क्या हाल है? आओ आप। और आपके साथ ओमी कैसे? अरे ये मतलब इसको हम आप ही के पास लेके आ रहे थे। पर क्यों आप? हम मतलब तुम्हारे मतलब का मतलब हम समझ गए हैं। तुम यही सोच रही हो कि अच्छा काम सिर्फ काव्या करती है लेकिन ऐसा नहीं है। जमाने में और भी लोग हैं काव्या बंसल के अलावा, समझी आप? और हमको भी पता है बच्चे को अपनी माँ के पास होना चाहिए। छोटे मैं आपको फोन कर रही हूँ। अनुराग लाओ मम्मी को दो, भूख लगी उसे। नहीं चाची जी, हमें ऐसा लगता है कि बच्चे को उसकी माँ ही सही से दूध पिला सकती है ना? अलका लो। एक तो मम्मी को बिना पूछे ले आए और ऊपर से बदतमीजी कर रहे हो। बदतमीजी कहाँ कर रहे हैं हम आपसे चाची जी? हम तो बस ये बताना चाह रहे हैं आपको कि जब बाहर वालों को ये पता चलेगा कि प्रधान फैमिली में एक माँ से उसका बच्चा छीना जा रहा है तो कितनी थूथू होगी। धमकी दे रहे हो? हम आपको धमकी देंगे? अच्छा ठीक है, हम उससे पूछ लेते हैं जिसकी राय आपको बेहतर लगती है। ठीक है आदि जी। मोंडी भैया
चाची जी को समझाओ, तुम ही समझाओ, इनको हमारी बात पे भरोसा नहीं हो रहा है। तुम एक बात बताओ, बच्चे को उसकी माँ के पास होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? हाँ, लेकिन हुआ क्या? आदि भैया, हम ओमे को अपना दूध पिलाना चाहते हैं, उसे अपने पास सुलाना चाहते हैं, और मम्मी जी ओमे को डब्बे का दूध पिला रही हैं। ये तो सही नहीं है माँ, आप दादी हो, जब चाहे प्यार कीजिए, जब चाहे खेलिए उसके साथ, लेकिन उसकी माँ अलका भाभी है। आप ओमी को उसकी माँ से अलग मत रखिए, प्लीज। माँ, माँ सुनिए। थैंक यू आदि भैया हमारी तरफ से बोलने के लिए। आप नहीं जानते हैं आज आपने हमारे लिए क्या किया है। थैंकिंग्स यू। हमने क्या किया? हमने कुछ नहीं किया। किया तो आपने, हमें आपको थैंक यू कहना चाहिए। पहली बार तो कुछ अच्छा काम करके हमें अच्छा लग रहा है, और हम जानते हैं जैसे ओमी के सर पे से बाप का साया तो हट गया है, लेकिन बड़ा लक्की है ये, तुम्हारे जैसी माँ है इसके पास। और हाँ अलका, तुम्हें जिंदगी में कभी भी किसी भी चीज की जरूरत हो तुम हमको बेझिझक कहना, हम एकदम स्पॉट पे ऐसे प्रेजेंट हो जाएंगे। थैंक यू। हम चलते हैं छोटे। अरे कितना कीचड़ में लोट लगा के आए हो, जो इतर से नहाने की कोशिश कर रहे हो। अब अम्मा, बासी कड़ी में उबाल लगाएंगे तो थोड़ा बू तो हम में से भी आएगी, कुछ तो सोचो। अरे अम्मा, कम से कम हमको तो देख लिया होता। ये देखो, कहां हम और कहां वो। अम्मा, इसे कैसे चल पाएगा भाई, हम नहीं झेल पाएंगे उसको। देख बउआ, सपने तो पता नहीं हमने भी काका देखे थे, पर राज करना है ना तो राजमहल में घुसना तो पड़ेगा, और ये काम वही करवा पाएगी। इसलिए आंख नाक बंद करके बासी कड़ी को निगल जाओ। अरे एक बार शादी हो गई ना, फिर तुम्हें आदि का बाप भी यहां से नहीं निकाल पाएगा, समझे? तो बिजनेसमैन की वाइफ बन गई हो, थोड़े दिनों में ऐसे गहनों में लद के घूमोगे तुम, बता रहे हैं? सर, हम तो सादे ही अच्छे हैं। अच्छा ये बताओ, शुक्ला जी कहाँ है जिन्होंने पैसे लगाए थे? बताइए जी, बताइए। आज से दुकान आपकी हुई, खूब चले और बरकत है। अंजलि, मुंह तो मीठा करवाओ। अरे हाँ, हमने मिठाई तैयार रखी, लेकर आते हैं। किस बात पे मुंह मीठा हो रहा है? अरे आ गया बेटा, बहुत अच्छे समय पे आई हो, अच्छी खबर देते हैं। अरे वो क्या है ना कि तुम्हारे पापा और मयंक ने मिलकर दुकान खोली है, क्या कहते हैं उसे? सर, सर्ज प्रोटेक्टर्स। हाँ वही, मयंक ने बताया था हमें, बस ये नहीं बताया था कि पापा भी साथ में है। अरे वो क्या है ना कि मयंक ने कहा कि हमारा तजुर्बा इसके काम आएगा, तो हमने सोचा कि हम भी बन जाते। मयंक, वॉशरूम लगी है। हाँ अंदर आइए, हम आपको बाहर तक छोड़ देते हैं, आइए। हाँ हम भी आते हैं, रुक। आप दुकान किराए पे ली है? हाँ। तो फिर सिक्योरिटी डिपॉजिट, किराए, सबके पैसे कहाँ से हैं? पापा से लिए पैसे? नहीं, पापा से तो। तो फिर इतने पैसे कैसे जुटा लिए तुमने? मयंक, सच बताओ हमें। सुजोय के दोस्त ने दिए। दीदी आप क्यों चिंता कर रही हो? सुजोय कहाँ है? बाथरूम गया। ओके। अरे पर बाथरूम में गया। हाय सुजोय, कांग्रेचुलेशंस। थैंक यू दी। अच्छा हमें ये बताओ कि इतने पैसे कैसे जुटा लिए तुमने? दी, वो मैंने ही। तो किसने दिए पैसे? मयंक कहीं से फाइनेंशियल आया था।
अच्छा क्या हुआ दी? कुछ नहीं, वो बस इतना है कि मयंक का कहना ये है कि पैसे तुमने दिए और तुम कह रहे हो कि मयंक ने पैसे दिए हैं, तो फिर पैसे किसने दिए? दीदी चुप रहो तुम, फिर जो साफ साफ बताओ हमें पैसे किसने दिए, बताओ किसने दिए पैसे? वो अनुराग प्रधान। क्या दी? मैं आपको सच बताता हूँ, अनुराग प्रधान ने हमारे बिजनेस में पैसे लगाया है। दीदी प्लीज मेरी बात सुनो एक बार, दीदी मैं आपको एक्सप्लेन, पापा को मत बताना दीदी। कहाँ जा रही काव्या? खाना खाकर जाना, तेरी पसंद की कड़ी बनाई है। मयंक ने अनुराग से पैसे लिए? मैं सब बताता हूँ अनुराग, आप दीदी प्लीज, आप प्लीज पापा के सामने मत बोलना। क्या जरूरत है अनुराग से पैसा लेने की तुझे? तेरे पापा को पता चल जाएगा। मामा, मामा रुकिए, पापा को अभी तक इसने नहीं बताया, हम जा रहे हैं बताने। दीदी पापा को मत बताना प्लीज। तुमने क्यों किया ऐसा मयंक? क्यों लिए उससे पैसे? और अनुराग, अनुराग प्रधान है, वो गिरिराज प्रधान का भतीजा है, उसके पैसे लेके तुम काम कैसे शुरू कर सकते हो? दीदी फिर कहाँ से लाते हैं हम पैसे? और वैसे भी अनुराग सुजोय का दोस्त है, वो उसके साथ कभी गलत नहीं करेगा। उसकी क्या गारंटी है? और तुम कैसे जानते हो ये? और मयंक बात धोखे की नहीं है, बात उस आदमी की है, उसके पैसों की है, जो उसी की तरह घिनौना होगा। बात हमारे पापा के गुरूर की है। तुमने एक बार भी ये नहीं सोचा कि जब पापा को पता चलेगा तो वो कितना ज्यादा शर्मिंदा होंगे? मयंक हमने तुमसे ये एक्सपेक्ट नहीं किया था, सच हम नहीं कर सकते, हम जा रहे बताने। अपने पापा को कुछ भी नहीं बोलेगी बेटा। मम्मा हम वो पैसे लौटा देंगे, हम पाई पाई चुका देंगे, पर प्लीज हमें बताने दीजिए। क्या आत्मसम्मान को जो ठेस लगेगी उसे कैसे लौटाएगी तू? कई सालों से रह रहे हम उनके साथ में, उनकी रग रग को पहचानते हैं हम, वो हर मुसीबत सह लेंगे बेटा, लेकिन शर्मिंदगी बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे और टूट जाएंगे। तू कुछ नहीं बोलेगी। देख अभी तेरे पापा के पास काम नहीं है, कुछ काम की जरूरत है। पापा ने जॉब छोड़ दी है, ये बात हमसे कैसे छुपा सकते हैं? एक महीने से ऊपर हो गया है, उन्होंने मना किया था बेटा कि तुझे बताएंगे तो तू परेशान हो जाएगी, इसलिए नहीं बताया तुझे। लेकिन ये बात तो मत बताना बिल्कुल भी पापा को, पापा टूट जाएंगे तेरे बेटा, नहीं बोलेगी ना? चाचा जी देखिए हम आपको बोल रहे हैं, बात को समझिए नहीं तो बवाल हो जाए। तुम ना बीच में टांग मत अड़ाया करो मोंटी, हम जो कुछ भी कर रहे हैं तो समझ के कर रहे हैं। अरे सोच ही तो नहीं रहे हैं आप? और छोटे तुम क्यों नहीं कुछ बोलते यार, तुम समझाओ ना इनको। हम गधे हैं, ये समझाएगा? अरे बस बस आप दोनों शांत हो जाइए प्लीज। मोंटी भैया हम जो भी करेंगे चेक करके करेंगे, और पापा आप कम से कम इनकी बात तो सुन लीजिए, ये एक्सपीरियंस से बात कर रहे हैं। एक्सपीरियंस है, हर बात में टांग अड़ाता है, कोई काम तो ढंग से होता नहीं। अच्छा बस इसके बारे में हम बाद में बात करेंगे, आप आइए हमारे साथ आइए। अब क्या नई चाल चल रहे हैं आप? आइए बैठ के बात कर सकते हैं, आपकी क्या शिकायत है? बैठिए आराम से बोलिए। हमारे भाई के बिजनेस में पैसे क्यों लगा रहे हैं? फंसाना चाहते हैं उसे। एक बात बताओ, ये जो तुम्हारी शक करने की आदत है, ये पैदाइशी है या शादी के बाद हुई है? सवाल का जवाब दीजिए भाई साहब, मयंक को पैसे क्यों दे रहे हैं? क्योंकि हम जानते हैं कि वो खुद से आपके पास नहीं आया होगा, तो फिर क्यों? हमें पता था कि तुम्हें एक ना एक दिन ये पता चलेगा। एक्चुअली हमें तुम्हें खुद बता देना चाहिए था, लेकिन हम डर रहे थे तुम्हारे इस रवैये से। तो क्या चाहते हैं, हम खुश हों, भरोसा करें आप पे? आपको याद नहीं है हमारे परिवार को कितना जलील किया गया, हम पे इल्जाम लगाए गए, हमारे भाई पे हाथ उठाया गया, तब तो आपने कुछ भी नहीं बोला, तब तो आप बस देखते रहे। क्या करते हम, तुम बताओ ना, परिवार से आगे निकल जाते
अरे जब हमने ये सुना कि तुम्हारे ऊपर खून का इल्जाम लगाया गया, हम नहीं मान पाए कि तुम खून कर सकती हो। और फिर ये कोई सौदाबाजी नहीं है, उसे जो भी फंड हमने किया है वो एक छोटा सा बिजनेस कर सके इसलिए किया। अब तुम यकीन मानो या ना मानो। तो आप ये चाहते हैं कि हम ये मान लें कि कुत्ते की टेढ़ी पूंछ सीधी भी हो सकती है? For more updates, subscribe to our channel. Click the show links and enjoy watching the videos.